सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टीपल स्टॉक के Q4 के नंबर के बारे में। कंपनी का नाम है दोस्तों डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड। तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के Q1 के नंबर आ चुका है, जस्ट अभी भी है। तो हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं, कंपनी के टोटल रेवेन्यू कितना है, साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस में क्या कंट्रोल है। अगर एक्सपेंस में कंट्रोल है तो इस बार इनकम बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर एक्सपेंस आपने कंट्रोल कर दिया तो इस बार के जो नंबर होगा दोस्तों बहुत ही फाइव स्टार होगा, और मंडे के दिन बहुत ही अच्छे खासी तेजी देखने को हमें जरूर मिल सकता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सिक्वेंस। तो ये रहा दोस्तों हमारे पिछले साल क्वार्टर के जून के, ये हमारे मार्च के, और ये दोस्तों हमारे साल क्वार्टर के जून के। तो ठीक है, सिक्वेंस एकदम ओके हो गया। तो चलते हम कंपनी के टोटल नेट इनकम। तो कंपनी के टोटल नेट इनकम दोस्तों एक साल पहले आप देख पा रहे हो 5,214 के सेल्स हो चुका 10,000 से भी ज़्यादा, और पिछले क्वार्टर में थे 8,819 का हो चुका 10,000। तो ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो नेट सेल्स है वो बहुत ही शानदार है। और ऑलरेडी हमें एक BSE कुछ दिन पहले एक BSE के डेटा आए थे, जिसमें BSE PDF पे आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हो कि उनमें एक डेटा आए थे जिसमें कि कंपनी के सेल्स है वो ऑलरेडी हमें पता चल ही गया था कि कंपनी के इस बार के जो इनकम है बहुत ही शानदार है। तो नो डाउट कंपनी के जो इनकम है बहुत ही शानदार है। अब चलते हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर। अगर एक्सपेंस नॉर्मल रहा तो नो डाउट कंपनी की जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा, साथ साथ कंपनी के जो रैली है वो बहुत ही कंटिन्यू रह सकता है। सो हम आ चुके कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंस एक साल पहले थे 5,077 का हो चुका है दोस्तों 9,119। तो एक्सपेंस भी हमें उसी हिसाब से देखने को मिला है जिस हिसाब से कंपनी का हमें इनकम देखने को मिला है। देन पिछले क्वार्टर में थे दोस्तों सिर्फ 3 मंथ पहले थे 8,210 का हो चुका है एक्सपेंस 9,200 के आसपास। तो ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस कंपनी की जो नेट इनकम है या फिर कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी हमें नॉर्मली उसी हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आएगा दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको पता है इसके बाद ये विदाउट एडजस्टमेंट वाले ये प्रॉफिट है। तो आप देख पा रहे होंगे 137 पिछले साल थे दोस्तों 137 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका दोस्तों 875, और पिछले क्वार्टर में थे 608 का हो चुका 875। तो ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार है। देन चलते हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें। सो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट फॉर द पीरियड एक साल पहले थे ओनली 95 का हो चुका है दोस्तों 642, और पिछले क्वार्टर में थे 426 का हो चुका है 642। तो क्वार्टरली बेसिस ईयरली बेसिस कंपनी की जो इनकम है और प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी के नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार कमाल के हमें जंप देखने को मिल रहा है, साथ साथ कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS वो भी आप देख पाओगे दोस्तों 1.47 का हो चुका है दोस्तों लगभग 10 के आसपास, और पिछले क्वार्टर में तो 6.59 का हो चुका है 10 के आसपास। तो नंबर जो है दोस्तों बहुत ही कमाल के फाइव स्टार के। तो कमाल के अगर एवेन्यू सुपरमार्ट अगर आप लोगों के पास है आप बिंदास कंटिन्यू करना दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है इस रिजल्ट के बाद मंडे से और भी रैली जो लगभग 5 दिन में 16% के आसपास तेजी दिखा चुका है, और मुझे ऐसा लगता है इस नंबर के बाद स्टॉक में जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर आप लोगों के पास SIP वाला स्टॉक है गिरावट होता है बिंदास SIP करके चलना, फ्रेश बाइंग के लिए बताने की जरूरत नहीं। अगर आपके विजन थोड़े से लॉन्ग टाइम है तो किसी भी लेवल पर आप बाय करके चल सकते हो, कमाल के स्टॉक है। सोचते वीडियो इतना, कोई डाउट है कम सकते हो पूछ सकते हो, और इस वीडियो में कोई पॉइंट चलेगा वीडियो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सोचते मिलते ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्यू के साथ, तब तक